हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। मैं आज आपके लिए जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो फिजिक्स है उसकी आज पहली वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है ना। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी यूनिवर्सिटी में जो आने वाला सिलेबस है वो कंप्लीट कराएंगे हम, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन लेंगे और इसमें जो मैकेनिक्स है आपका जो पहला पेपर है और पहले पेपर की ये पहली ही वीडियो रहेगी, तो इसमें देखिएगा। देखो ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीनशॉट ले लेना और देखिएगा ये जो लास्ट के जो क्वेश्चन है ये तो पेपर में आना ही आना है निश्चित रूप से, यानी कि मैं तो ये कहूंगा 99% ये वाले जो शरद शिवल के ऊपर है ये प्रश्न आता ही आता है, ठीक है। तो इनको देख लेना, शरद शिवल क्या होते हैं, शरद शिवल क्या होते हैं, शरद शिवल का कर्ल शून्य होता है, ये सब सिद्ध करेंगे हम। तो देखिएगा हमने ये पहले छोटे छोटे प्रश्नों को करते हैं क्योंकि आने वाले जो अगले जो वीडियो आएंगी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उनमें छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, इसलिए हम छोटे से बढ़ेंगे। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें पहला प्रश्न क्या है, निर्देश तंत्र क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तो आपको निर्देश तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो वो देखिएगा, इसकी परिभाषा इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दूंगा, जो भी आपको अच्छी लगे वो कर लेना, ठीक है। मोस्टली मैं हिंदी वाले स्टूडेंटों को लिए ज़्यादा वो करूँगा क्योंकि हिंदी वाले स्टूडेंट हमारे से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हिंदी में टाइटल डाल देना, निर्देश तंत्र, ठीक है। इसकी परिभाषा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हुज डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसा निर्देश तंत्र, एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम या एक ऐसा निर्देश निकाय जिसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी पिंड की पोजीशन को ठीक ठीक डिस्क्राइब किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए, मैं आपको समझाता हूँ कि आपका घर, ऐसे समझिएगा, देखो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, थोड़ा ऊपर करता हूँ इसको। देखो आपका घर मान लीजिए यहाँ पर है, ये घर है आपका, ठीक है। तो ये ए बिंदु पर है, तो आप किसी को एड्रेस बताओगे तो आप कैसे कहोगे कि मेरे घर जाना है, मैं मेरे कहूँगा ए के पास जाना है। तो आपको मेरे को कुछ ना कुछ बिंदु बताना पड़ेगा कि यानी कि एक स्थिर बिंदु बताना पड़ेगा कि बिंदु ओ से आप इधर को चलना, ठीक है ना। एक्स अक्ष की तरफ, मान ली तुम्हारे घर यहाँ पर है, तो आप कहोगे कि बिंदु ओ से एक्स अक्ष की तरफ आए या उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ, कहीं ना कहीं तो बताओगे कि उधर चलना 10 मीटर चलना तो वहाँ पर मेरा घर आ जाएगा, या 10 किलोमीटर चलना वहाँ पर मेरा घर आ जाएगा। तो यानी कि किसी भी बिंदु की, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज की हम स्थिति बताने के लिए हमें एक निर्देश निकाय की आवश्यकता पड़ती है। निर्देश निकाय में होता क्या है, अक्षों का एक समुच्चय होता है और उसमें एक स्थिर बिंदु होता है जिसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इससे हम किसी भी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं कि वो इतनी दूर है या उधर से राइट में या लेफ्ट में कहां पर है, ठीक है। आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो है इसमें निर्देश निकाय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो देखिएगा, इनर्शियल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है जड़त्व, यानी जिसमें जड़त्व के नियम का पालन होता है उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, नॉन इनर्शियल जिसमें जड़त्व के नियम का पालन नहीं होता है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, क्लियर है। वह फ्रेम जिसमें न्यूटन के इनर्शियल लॉ का पालन होता है उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं या इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। नॉन इनर्शियल वह फ्रेम जिसमें न्यूटन के इनर्शियल लॉ का पालन नहीं होता है उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहना, प्रत्येक को एक एक बार देखोगे तो जिंदगी में कभी भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब देखो, नोट करके लिख दिया, जो ऑब्जेक्ट टर्निंग लेता है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, यानी जो मुड़ेगा, ठीक है। जैसे कोई मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर यानी मोड़ पर मुड़ रहा है तो उस पर जो वो जो फ्रेम कहलाएगा वो आपका नॉन इनर्शियल कहलाएगा, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला जो प्रश्न है, जड़त्व क्या है, जड़त्व इनर्शिया, ठीक है, व्हाट इज द इनर्शिया। तो आप कोई पूछ ले जड़त्व क्या है, तो देखिएगा इसको हम डिफाइन करेंगे, जड़त्व क्या है, जड़त्व है यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद होती है जो वो अपने आप, किसी मान लीजिए ये पेन है मैंने यहाँ पर रख दिया, क्या ये पेन अपने आप चल सकता है, कहोगे कि बिल्कुल नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो मौजूद है जो इसके चलने का विरोध कर, यानी ये यहीं पर जमी हुई है जिस प्रॉपर्टी का, उसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई विच इट कैन नॉट इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन बाई इट सेल्फ, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वह अपनी पोजिशन को अपने आप
चेंज नहीं कर सकती, उसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। क्लियर है बात? यानी कि ये पेन है अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती है, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी मौजूद है उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। आई होप के समझ पाए होंगे बातों को। इनर्शिया तीन प्रकार का होता है, रेस्ट इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, संवेग क्या है, सिद्ध करो कि किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको पहले तो संवेग जानते हैं, संवेग क्या होता है। आप पता है, आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, द्रव्यमान इंटू वेग संवेग कहलाता है। ये द प्रोडक्ट ऑफ मास यानी द्रव्यमान एंड वेलोसिटी, बोले तो उसका वेग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के मास बोले तो द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी बोले तो वेग के प्रोडक्ट यानी गुणनफल को मोमेंटम कहते हैं। होगी ना होगी बात, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी इसे पी से प्रदर्शित करते हैं तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एम वी, यानी पी वैक्टर इंटू एम वी वैक्टर, क्योंकि आपकी कैसी वैक्टर क्वान्टिटी होती है, यूनिट इसकी क्या होती है, एम का किलोग्राम, और वेग का क्या बनता है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हमारा इसमें एक चीज और पूछी थी आपसे, सिद्ध करो कि किसी पर लगने वाले बल जो है किसके बराबर होता है, उसके मूवमेंट परिवर्तन की दर यानी संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो हम देखिएगा इसको प्रूव करेंगे कि माना हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, एम है, इस पर हमने क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ी दूरी इसने तय कर ली। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया तो इसने कुछ ना कुछ विस्थापन तय करा होगा, वो हमने मान लिया एस। ठीक है, कितना विस्थापन तय करा है, एस। क्लियर है बात? ठीक है, तो अब देखिएगा, तो इसका जब इसने पोजीशन चेंज करी है यानी कि, तो इसके अंदर क्या होगी, वेलोसिटी उत्पन्न होगी, होगी यानी कि वेलोसिटी आ गई इसमें। जब इस पर फोर्स लगाया तो इसकी प्रारंभिक स्टेट मान ली यू बराबर जीरो था, तो अब इसमें जैसी फोर्स लगाया तो इसका यू से बढ़कर वी हो गया, यानी कि वेग चेंज हुआ। वेग चेंज को क्या कहते हैं, जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, वही चीज़। तो अब हम करेंगे तो एफ बराबर वाई क्या होता है, परिभाषा से एम इंटू ए होता है। ठीक है, जब एक्सेलरेशन उत्पन्न हो गया यानी बल लगाया, बल लगाने से उसमें उत्पन्न हो गया ये। ठीक है, बल की परिभाषा से। ठीक है, अब ये देखिएगा, एम तो जो कहते हैं, ए को हम कितना लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। क्लियर है बात? अब देखिएगा, ये डी वी अपॉन डी टी, एम कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को मैं अंदर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, ऐसे डी वी डी, ये डी अपॉन डी टी और ये एम इसके साथ में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। अभी हमने परिभाषा पढ़ी थी संवेग की, क्या थी, पी वैक्टर बराबर क्या था, एम वी वैक्टर, यानी कि पी पी बराबर क्या था, एम वी था। मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख दूंगा, डी टट्टे डी टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ, यदि मैं इसको वैक्टर फॉर्म में लिखूँ तो एफ वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, डी पी वैक्टर अपॉन डी टी। तो यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर, और ये क्या हो जाएगा, बाह्य बल हो जाएगा, ये बाह्य बल। तो बाह्य बल किसके बराबर हो गया, संवेग परिवर्तन दर के बराबर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति क्या है, एक समान आपको वृत्तीय गति बतानी है। ठीक है, तो देखिएगा आपको एक समान वृत्तीय गति, ये देखिए ये आ गई आपकी। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति होती क्या है, तो एक समान मतलब ये है, जब एक जो ऑब्जेक्ट है किसी रेडियस के अलोंग यानी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है यानी मोशन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, किस पर, सर्कुलर पाथ विद द यूनिफॉर्म स्पीड, देन इट्स मोशन, देन लिख देनी है यहाँ पर, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी, देन तब उसका जो मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। समझ में आ गई बात? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्किल की रेडियस पर कांस्टेंट स्पीड से मोशन करता है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन की ऐसी परिभाषाएं आप बहुत ही प्यार से एक बार में याद कर लोगे तो ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम आपके लिए सारी तैयारी कराएंगे फिजिक्स और मैथ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अविकेंद्रित त्वरण क्या है। अविकेंद्रित त्वरण की हमें परिभाषा देनी है, तो देखिएगा ये परिभाषा है आपकी, पूरा लिख लेना क्या है। ए बॉडी मूविंग एलोंग ए सर्कुलर पाथ, इट एक्ट अपॉन बाई एन एसलरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर एलोंग द रेडियस, दिस एसलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिडल एसलरेशन। ठीक है, इसका मतलब कि देखिएगा हिंदी में भी लिख दिया है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, ए बॉडी मूविंग ए एलोंग सर्कुलर पाथ, यानी कि सर्कुलर मोशन अभी परिभाषा बताई थी, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, अतः ऑब्जेक्ट के मोशन में एक एसलरेशन उत्पन्न हो जाता है जिसकी डायरेक्शन सदैव सर्कल के केंद्र की ओर यानी सेंटर की ओर होती है, इसी को सेंटर सेंट्रीपिटल एसलरेशन यानी कि अभिकेंद्रण कहते हैं। ए बराबर वी स्क्वेयर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वेयर, ये इसका संबंध होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपसे ये मैंने थोड़ी सी इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दी, आप चाहो तो जब कोई ऑब्जेक्ट यानी जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उस पर उसकी गति में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अवकेंद्रित त्वरण कहते हैं, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है आपका अविकेंद्रीय बल क्या है। तो अवकेंद्रीय बल की भी देखो परिभाषा यहीं पे लिखी हुई है, क्या है, ए फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक ए बॉडी मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इट ऑलवेज एक्ट along the radius and towards the center of circle circular path। इंग्लिश में याद करना चाहे इंग्लिश में याद कर लेना, हिंदी में लिखी हुई है हमारी परिभाषा। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर एक फोर्स कार्य करता है जिसकी डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की ओर रहती है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एफ बराबर एम बी स्क्वेयर अपॉन आर या एम आर स्क्वेयर, ठीक है, एम आर ओमेगा स्क्वेयर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा आप कहोगे कि ये जो इंग्लिश लिख रही है इसकी हिंदी नहीं है, ये इंग्लिश की परिभाषा अलग है और हिंदी की अलग है, थोड़ा थोड़ा सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि ए रिक्वायर्ड फोर्स टू मेक ए बॉडी मूव अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कराने के लिए जो फोर्स की आवश्यकता होगी उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसकी डायरेक्शन अलोंग टू रेडियस टूवर्ड टू सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ यानी कि उसके केंद्र के ओर होती है। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ, संरक्षी और असंरक्षी बल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं, देखो मैं कई परिभाषा लिखाऊंगा, जो चाहो वो आप लिख लेना है, संरक्षी और असंरक्षी बल। ठीक है, संरक्षी कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, दोनों की परिभाषा एक साथ लिखी ही है। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट चक्र के दौरान जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ जाता है उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस आ जाता है तो ऑब्जेक्ट पर लगे बल या लगे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसका उल्टा कर दीजिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट चक्र के दौरान जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ जाता है उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस नहीं आता है, यहाँ पर नहीं जरूर लगा लेना, तो ऑब्जेक्ट पर लगे फोर्स को हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। दो परिभाषा होगी, एक में ही लिख रही है मैं दोनों परिभाषा। ठीक है, दूसरा देखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक कंप्लीट चक्र पूरा करने में ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तथा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, बराबर होती है यानी कि जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ जाता है उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि उस पर लगने वाले जो बल हैं कंजर्वेटिव होंगे। यदि ये दोनों फाइनल काइनेटिक यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा दोनों बराबर नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गई बात, इसी तरीके से उल्टा उल्टा कर देना। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट पर लगे फोर्स द्वारा किया गया कार्य शून्य है तो कंजर्वेटिव फोर्स और शून्य नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, एक और, जब कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाता है तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक तो जाने में किया गया कार्य इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है और दोनों पोजीशंस के बीच के पाथ पर निर्भर नहीं करता है तो ऑब्जेक्ट पर लगे हुए कंजर्वेटिव फोर्स। यानी कि मतलब यह है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर, ये देखिएगा ए और ये बी है, यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं, ये जाना है आना है तो ये पाथ पर निर्भर करता है, बीच की पाथ पर निर्भर नहीं करता है तो कंजर्वेटिव फोर्स, और यदि पाथ पर निर्भर कर रहा है यानी रास्ते पर निर्भर करता है तो आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। ठीक है, अब देखो उदाहरण है,
जब किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर की ओर जाती है और स्मॉल टाइम के लिए रेस्ट में आ जाती है, यानी ऊपर जाएगी थोड़ा सा, यानी नीचे जा रही है ऊपर, ऊपर से फिर एक साथ नीचे आना होगी, तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आती रुकती है और फिर ग्रेविटेशन के अंदर नीचे की ओर आती है। अतः बॉल की काइनेटिक एनर्जी ऊपर ऊपर की ओर फेंकी जाती, बॉल को जिस काइनेटिक एनर्जी, यानी के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी के साथ ऊपर फेंका जाता है, वह उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस आ जाती है। अतः ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, आगे जो घर्षण बल होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, आप लिख देना। आगे अपना अगला पॉइंट है संरक्षी बल के मुख्य बिंदु। ठीक है, संरक्षी बल के मुख्य बिंदु देखिएगा, ये देखें संरक्षी बल के बारे में मुख्य बिंदु कितने हैं, चार पॉइंट लिखे हुए हैं। संरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है, यानी कर्ल F बराबर जीरो, ये संरक्षी बल का कर्ल जो है वो शून्य होता है। नंबर दूसरा, संरक्षी बल की स्थितिज ऊर्जा, संरक्षी बल को स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक प्रवणता के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि F बराबर माइनस ग्रेड यू। ये सभी हम सिद्ध करेंगे अगली वाली वीडियो में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता रहता है, सिद्ध करो कि संरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है या ये होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें कि संरक्षी बल के अंतर्गत किसी ऑब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। अगला जो पॉइंट है, संरक्षी बल के अंतर्गत एक पूर्ण चक्कर में गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अभी हमने बता दिया कि जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ जाता है उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है। आपको एक एक प्रश्न को बहुत ही प्यार से समझना है और बहुत ही प्यार से इसको कर लेना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा की परिभाषा, किसी ऑब्जेक्ट की अपनी गतिज ऊर्जा के कारण जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इज द काइनेटिक एनर्जी, देखो ऑफ को काट देना, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। ठीक है, या द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसको याद कर लेना, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। क्या है कि द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, यानी कि मोशन में जो मोशन के कारण या मोशन में जो एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, उसी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv². ठीक है, मात्रक ये हो गया जूल। अब आपका आ जाता है अगला जो हम कार्य ऊर्जा प्रमेय, हम उसको सिद्ध करेंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको हम लास्ट इसकी जो इस चैप्टर का, इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, स्थिति ऊर्जा की परिभाषा। तो देखिएगा, किसी ऑब्जेक्ट में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी स्थिति ऊर्जा कहते हैं। U = mgh या U = -F(ds). ये ध्यान रखना, ये मैं हर डेरिवेशन में लगाऊंगा, दोनों फॉर्मूले ध्यान रख लेना, इनको याद कर लेना। ठीक है, द एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी ड्यू टू द वर्क डन ऑन इट फॉर चेंजिंग इट्स पोजीशन, शेप और कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, या एनर्जी ड्यू टू इट्स प्रेजेंट पोजीशन, इसे याद कर लेना आप। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू इट्स प्रेजेंट पोजीशन, यानी कि किसी भी पोजीशन के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आई होप के वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, और शेयर करने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को, हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना, ये हमारे लिए, ये समझ लो आपकी गुरुदक्षिणा रहेगी कि वैसे भी वीडियो बहुत कम बना रहा हूँ और आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ज़्यादा बनाऊँगा, अदरवाइज मैं यहीं पर बंद कर दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।